तो फार्म के स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व है फार्मिंग में। बहुत सारे रोग फार्म के स्ट्रक्चर पर ही नहीं आते हैं, ये आप आगे देखेंगे। 1 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य में बीड जिले में एक दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था। उस ट्रेनिंग के दौरान हम यह सीख रहे थे मेरेक्स बीमारी की शुरुआत कहां से हुई, कौन से वैज्ञानिक ने पता किया, इसके वायरस का नाम क्या है, फैलती कैसे है और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ वैक्सीन है तो वैक्सीन कैसा करते हैं, मेल फीमेल को कैसे पहचानेंगे, ये सब मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। वीडियो के माध्यम से आप भी देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इस ट्रेनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं दिखाने की कोशिश तो करूँगा, मगर पूरे दिन के वीडियो दिखाना बहुत मुश्किल है। फिर भी जितनी भी वीडियो हैं सारी इकट्ठी करके मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। वो नहीं चलाएगा पैर, वो मेल कभी पैर नहीं चलाता। और फीमेल पाई खाली पैर सीधे लटके रहेंगे तो मेल रहेगा और ये पैर यहाँ तक लेके जाएगी तो फीमेल रहेगी, ये उसकी पहचान है। और दूसरा पहचान क्या है, जो हैचरी से आता एक दिन का चूजा मेल फीमेल सेक्सिंग हो के आता, सोनाजी में बहुत तेजी से चलन है तो वो कैसा करता है मैं अभी वीडियो में दिखा रहा आपको। यहाँ से दबा के वेंट को देखते, वायरस का नाम है अल्फा हर्पीस। मेरेक्स का कोई इलाज नहीं, इसलिए जैसे बच्चा अंडे से निकलता है 6 घंटे के बाद उसकी गर्दन में वैक्सीन होता है 0.2 ml मेरेक्स का। तो मेरेक्स का वैक्सीन कैसा होता है स्क्रीन पे देखे, इस पे दो वैक्सीन आते, एक वैक्सीन आता है जिसमें 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना पड़ता है जैसे अन्य वैक्सीनों को रखा जाता है, और दूसरा वैक्सीन इस पे आता है जिसको लिक्विड नाइट्रोजन पे रखना, लिक्विड वो जो गाय भैंस को एआई करने वाले आते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर रहता है -196 से -320 डिग्री सेल्सियस। पक्षी होते हैं तो कैसा इंजेक्ट करते, और वो भी बता दूं मैं आपको कि इस पे ऐसी निडिल लगती है तो वैक्सीनेटर या इंजेक्टर आप लेंगे 900 रुपए 800 रुपए का। यहाँ से ये सेट होता है, ये बोल्ट से मैं भी सेट करके बताऊंगा, इसको नापने का आता ये, इससे नाप करते, ये जो सुई होती है 22 नंबर सुई के ऊपर लिखा होता है 22 नंबर बच्चों में यूज करते हैं। और पुलेट बोलते हैं 300 ग्राम तक के पक्षी को, क्या बोलते हैं पुलेट, बचपन में चूजा बोलते चिक्स, पुलेट 300 ग्राम लेयर अंडे देने वाली ऐसा नाम होता है। तो पुलेट बोलते हैं जो पक्षी फीमेल है उसको पुलेट, और जो पक्षी मेल है 300-400 ग्राम का उसको बोलते हैं कॉकरेल। एक कॉकरेल नस्ल अलग होती है और नाम अलग होता है। तो चूजा पहले होता है चिक्स, उसके बाद होता है पुलेट फीमेल, और कॉकरेल हो गया मेल, और जब बड़ा हो गया तो लेयर या पैरेंट बोलते पैरेंट। तो ये सब पक्षियों के नाम। तो जो 22 नंबर सीरिंज है ये सुई इंजेक्शन लगाने का, इसमें सबसे पतला आता है 22 नंबर एक दिन के चूजे पे इस्तेमाल करते हैं, 20 नंबर पुलेट में 300-400 ग्राम का वजन तक के पक्षी को 20 नंबर से इंजेक्ट करते, और 18 नंबर उससे मोटा बड़ा पक्षी 600 ग्राम प्लस के बाद जब तक मोटी रख रहे 3 किलो 4 किलो 5 किलो जितना है तो काय से 18 नंबर से इंजेक्ट करना, वो अभी हम बताने वाले चूजे को कैसा करते बड़े को कैसा इंजेक्ट करते। तो इंजेक्शन किस परिस्थितियों में इंजेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती, इंजेक्शन पोल्ट्री का आखिरी हथियार, ये क्या है आखिरी हथियार पोल्ट्री का इंजेक्ट, ये इंजेक्शन करना विपरीत परिस्थिति में आखिरी हथियार होता है। तो वैक्सीन एससी सब कट यानी खाल के अंदर, और आईएम इंट्रामस्कुलर यानी मांस के अंदर, मांस कहाँ रहता है छाती में, और लेग पीस खाते ना लेग पीस मुर्गी का वहां मांस ज्यादा होता है, एक छाती में चेस्ट यहाँ मांस ज्यादा होता है मुर्गी का, लेग पीस जो खाते आप वहां ज्यादा होता है। तो आईएम बोलते इंट्रामस्कुलर मांस के अंदर,
ऐसी सबकट यानी खाल के अंदर। तो इंट्रामस्कुलर सबकट कैसे करते हैं अभी हम आपको बताने वाले हैं। 600 ग्राम प्लस के बाद 18 नंबर जब तक पक्षी रखते हैं 1-2-3-4 किलो जितने का हो रहा। अभी बच्चे कितने छोटे क्या क्योंकि तीन चार दिन का है तो ये लगेगा 22 नंबर। और ये 600-700 का आता है इसको कैसे इंजेक्ट करते ये हमने क्या दी और ऐसा करके जैसा बोल्ट करते हैं ना ऐसा हो गई है फिर अब नहीं निकलेगी। 1000 बच्चे से आप करते जाएंगे बच्चे को जैसे अगर मान लो ऐसा कर लोगे तो बर्तन ऊपर उठा लेगा ऐसा पकड़िए यहाँ ऐसा बनाते गैस ए होता ना इंग्लिश का ए के बीच में ऐसा आड़ा डंडा होता ना हमने ये ए बना दिया और ए के बीच के आड़े डंडे में 0.2 mm करने का 22 नंबर ने दिल लगाई दोनों उंगली के बीच में ऐसा जाने का ये गया ये दवा है हाँ दे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ बाकी मेरे से ऐसे होते जब पकड़ में नहीं आया तो ऐसा कर दो गर्दन ये ऊपर उठाता है चमड़ी जल्दी हाथ में जाती अभी मैं दिखाऊंगा मुझे करते हुए कितनी तेजी से करते जब एक्सपर्ट हो जाएंगे आप तो ऐसा करो तो चमड़ी हाथ में आती और ए बना लो ऐसा उठा के इसको यहाँ से ए बनाओ और उस ए के बीच में जो आड़ा डंडा होता है यहाँ आपने ऐसा डाला दवा कितना बड़ा है अभी 4 महीने का नहीं एक्चुअल में जहाँ से मुर्गी बीज करती वहाँ वर्षा होता है वर्षा मुर्गी का इम्यून सिस्टम कहाँ होता है वर्षा में वर्षा जब तक बन रहा होता है तब तक के वैक्सीन करेंगे तो इम्यून सिस्टम वर्षा में होगा अब वर्षा बन गया तो वैक्सीन का कोई काम नहीं बचता वो काम नहीं करेगा मल्टीविटामिन दे सकते हैं मिनरल दे सकते हैं हाँ और कुछ मुर्गियाँ खुद के अंडे खा जाती है उसके लिए हाँ मुर्गी खुद के अंडे खा जाती है तो उसका कारण है कि उसके शरीर में जो मिनरल विटामिन कैल्शियम लीवर टॉनिक चाहिए उसकी कमी है तो एक छोटा बोतल 30 ग्राम का ये बुला लेना एक छोटा ये बुला लेना और लिमसी टेबलेट और विटामिन ई इसमें कैल्शियम लिमसी से मिल गया इम्यून सिस्टम इससे बढ़ गया लीवर टॉनिक इससे मिल गया और बहुत सारे विटामिन का मिश्रण वेमराइल से मिल गया एक एक दिन में टॉनिक है जैसे आप केले खाता एक केला भी खा लो दो भी तो कोई नुकसान नहीं एक सेब दो खा लिए सुबह सेब खा लो तो कोई नुकसान नहीं शाम को सेब खा लो तो कुछ नुकसान नहीं टॉनिक मैकेमेडिसिन 94 सर मैं भंडारा से हूँ मेरे चाचा के घर मतलब तीसम पक्के बड़े सर भी जाए दोस्त लेना चाहता हूँ और अभी जो है अंडे सर कभी कभी गाँव में जाता नहीं मतलब उनाला जब हमारे में पूरे गांव के साफ हो जाते हैं हमारे भी आज तक मतलब पहले बोल रही है तब जो बड़े पक्षी उनके बाद जो इंक्यूबेटर में हम चूजे निकालेंगे उसको हम आपके हिसाब से फीड देंगे तो उसका टेस्ट कैसा रहेगा टेस्ट सुधारने के लिए पक्षी को 15 दिन बेचने से पहले कितने दिन पहले 15 दिन मक्का खिलाओ मक्का खिलाओ की हो गई देसी की तरह टेस्ट बढ़ाओ 15 दिन फ्रीज में रखो पक्षी बिकता और सर जो बड़े पक्षी है उसके लिए एक दिन से लेके चलना पड़ेगा जब उनसे अभी चूजे आ रहे जब इंक्यूबेटर लेने के बाद उसके चूजे निकालेंगे तो एक दिन के चूजे में वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करो पेरेंट्स पे मत करो जो पर अभी बड़े वाले वो मतलब उसका कोई उसके लिए फाउल पॉक्स कर सकते कितने वेग है मतलब एक प्लस है तो 0.5 ml इसके तुम्हें फाउल पॉक्स का वैक्सीन कर सकते रैनिकेट काम नहीं करेगा।
इस ट्रेनिंग का पार्ट नंबर 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।